आज हम डिसेंडिंग ट्रैक्स यानी कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे ठीक है ट्रैक्स ट्रैक्स यानी कि जो भी नर्व फाइबर्स या न्यूरॉन्स जो बंडल है बंडल ऑफ न्यूरॉन्स या बंडल ऑफ एग्जॉन्स जो मोर स्पेसिफिकली तो जो एग्जॉन होता है न्यूरॉन का उसका जो बंडल होता है वो अगर बंडल जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर नीचे या ऊपर जाए उसे हम सिंपली ट्रैक कहते हैं अभी हम डिसेंडिंग ट्रैक डिसेंडिंग यानी जो नीचे जा रहे हैं यानी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स से होते हुए ब्रेन स्टेम से होते हुए स्पाइनल कॉर्ट को जाते हैं उस ट्रैक्स को हम डिसेंडिंग ट्रैक्स कहते हैं और हम कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक के बारे में डिस्कशन करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट फिजियोलॉजी में जो कि बहुत बार यूनिवर्सिटी जो थ्री एग्जाम्स होता है उसके अंदर टेन मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है डिसेंडिंग टैक्स पे तो मैं आपको बता दूँ क्या साइड हेडिंग्स पे ये पूछा जाता है तो आमतौर पे ये देखिए डिसेंडिंग ट्रैक्स जो है टेन मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें साइड हेडिंग्स होते हैं डिस्क्राइब दी ओरिजिन कोर्स टर्मिनेशन एंड फंक्शन फंक्शन ऑफ फंक्शंस ऑफ पिरामिडल ट्रैक्स और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स उसको पिरामिडल ट्रैक भी कहते हैं ठीक है थीके? और एक लास्ट में एड ए नोट ऑन दी अप्लाइड एस्पेक्ट तो बस वक्त अप्लाइड एस्पेक्ट के बारे में भी पूछा जाता है चलिए हम ये साइड हेडिंग्स में आज का टॉपिक पढ़ते हैं ये हमारे ऑब्जेक्टिव भी अगर हम ये साइड हेडिंग दिमाग में रखेंगे तो कोई कॉन्सेप्ट मतलब भूलेंगे नहीं चलिए तो डिसेंडिंग ट्रैक्स या कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक ठीक है तो इसको कहते हैं पिरामिडल ट्रैक भी याद रख लीजिएगा पिरामिडल ट्रैक क्यों कहते हैं आपको डिस्कशन में पता चल जाएगा पिरामिडल ट्रैक डिसेंडिंग ट्रैक या कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक ठीक है तो देखिए फर्स्ट आते हैं ओरिजिन पे ये कहाँ से ओरिजिन होता है तो उससे पहले मैं डायरेक्टली पहले थोड़ा सा फंक्शन बता दूँ इसका फंक्शन क्या है इंपॉर्टेंट ये जो है वॉलेंट्री मोटार मूवमेंट्स के लिए हेल्पफुल है वॉलेंट्री मोटर मूवमेंट्स यानी कि मोटर कि जो हमारे मसल्स के जो मूवमेंट्स हैं जो हम बॉडी से चलते हैं या ऐसा देखिए मैं देखिए फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर रहा हूँ एल्बो जॉइंट पे हाथ ऊपर उठा रहा हूँ हाथ नीचे उठा रहा हूँ ये वॉल्ट्री यानी मेरी मर्जी से कर रहा हूँ तो ये जो मर्जी से जो मैं मूवमेंट्स कर रहा हूँ ऐसे हाथ हटा रहा हूँ ऐसे हाथ हिला रहा हूं तो ये जो मूवमेंट्स होते हैं इसको कंट्रोल कौन करता है इसको कंट्रोल करता है यही वाला कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ठीक है कैसे करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली अगर ये ट्रैक्ट्स में यानी कि ये जो बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स या न्यूरॉन्स या एग्जॉन्स इसमें अगर कोई डैमेज हो जाए किसी वजह से जैसे कि आमतौर पर रोड ट्राफिक एक्सीडेंट होता है या कोई भी पैथोलॉजी हो तो पैरालिसिस हो जाता है यानी कि ये मसल का मूवमेंट हम वॉलेंट्री मूवमेंट नहीं कर सकते पैरालिसिस यानी कि लकवा हो सकता है ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट है चलिए देखते हैं तो अब आते हैं मैंने सब मैंने आपको बताया ओरिजिन इसके जो साइड हेडिंग्स बताए थे तो पहला है ओरिजिन तो ये जो ओरिजिन ये कंट्रोल करने के लिए दिमाग का कौन से हिस्से से इसके न्यूरॉन सिचुएटेड है तो उसको समझने के लिए तो मैं आपको ये दिमाग का एक साइड व्यू बताता हूँ ब्रेन का सरबल एमोस्फेयर का इस तरह से कट सेक्शन में तो यहाँ पे जो है सेंट्रल गायरस होता है सेंट्रल गायरस के सामने वाले हिस्से को जो है मोटार एरिया कहते हैं यहाँ पे देखिए मोटार एरिया अगर आपको कैमरे से नज़र आ रहा है तो बहुत अच्छा है नहीं तो मैं फिर भी आपको हाईलाइट करके बताता हूँ ये वाला मोटार एरिया ये जो इतना एरिया है ये अगर हम ऐसे कट क... दो साइड के सर्वल हमेस्फिर होते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड ओके okay? दोनों साइड में ये होता है अब मोटार एरिया जो है मोटार एरिया में आ, बेसिकली जो है तीन टाइप के आ, कोर्ट ये होते हैं उसके कॉटेक्स सर्वल कॉटेक्स में फर्स्ट है मोटार प्राइमरी मोटारकॉटेक्स प्राइमरी मोटारकॉटेक्स जो के कंट्रोल करता है बॉडी के मूवमेंट्स को प्राइमरी मोटारकॉटेक्स ठीक है प्राइमरी मोटारकॉटेक्स फिर आता है सप्लीमेंट्री एंड प्री मोटार एरिया ठीक है तो ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं प्राइमरी मोटर एरिया जो कि अब मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ब्लैक कलर से ये एरिया जो सेंट्रल सर्कस के जो सामने है इसे कहते हैं प्राइमरी मोटार कॉटेक्स ये प्राइमरी मोटार कॉटेक्स जो है हमारे जो बॉडी यहाँ से जो है मेजॉरिटी जो है कंट्रोल न्यूरॉन्स के जो एग्जॉन्स निकलते हैं और हमारे मसल्स को जो नर्व सप्लाई करते, करते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे वहाँ पे अटैचमेंट दे कंट्रोल करते हैं वहीं से जो सिग्नल आता है ठीक है ये है इसको ब्रॉडमैंड एरिया नंबर फोर भी कहा जाता है एरिया नंबर फोर भी कहा जाता है उसी तरह और दो एरिए हैं एक है सप्लीमेंट्री मोटार एरिया जो आपको रेड कलर से मैं भी हाईलाइट करके बता रहा हूँ ये है सप्लीमेंट्री मोटार एरिया ठीक है फिर से आता है प्री मोटार एरिया जो मैं आपको ब्लू कलर से हाईलाइट करके बताता हूँ ये सप्लीमेंट्री एरिया और प्री मोटार एरिया को हम एरिया नंबर सिक्स भी कहते हैं ब्रॉडमंस क्लासिफिकेशन में ये एरिया नंबर फोर ये एरिया नंबर सिक्स तो ये तीन एरियाज जो ब्रेन के होते हैं प्राइमरी मोटार कॉटेक्स सप्लीमेंट्री मोटार एरिया एंड प्री मोटार एरिया ये टोटली से हम मोटार कॉटेक्स कहते हैं उसके अलावा सेंट्रल सर्कस के पीछे वाला हिस्से को सोमैटोसेंसरी एरिया एरिया नंबर ये थ्री टू वन वगैरह है वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे ठीक है लेकिन आज के इसलिए ये इंपॉर्टेंट है मोटारो एक्टिविटी सोमैटोसेंसरी एरिया भी इम्पोर्टेंट है बीच के डिस्कशन में आ जाएगा तो ये जो एरिया है जो साइंटिस्ट जब डिस्कवर करे थे एक्सपेरिमेंटल ये एरिया कैसे कंट्रोल करता है हमारे बॉडी में तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली एक ह्यूमन कुलस भी निकाला था ये है मोटार ह्यूमन कुलस ये देखिए तो ये सेरेबरल हेमिस्फीयर का है तो कौन सा पार्ट कौन से मसल्स को को कंट्रोल करता है वो हुआ तो एक्सपेरिमेंटली अगर हम वहाँ पे न्यूरो सर्जरी के दौरान अगर एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स पर्टिकुलरली एक पॉइंट पे अगर स्ट्रोक करें तो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन वॉलेंट्री मसल्स जो आ, वो पॉइंट पे जो कंट्रोल करता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है ठीक है तो देखिए यहाँ से नीचे से लेके ऊपर तक तो देखिए लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन है डिजिटल के थम का फिंगर्स का और जो है फेस का उस, उसी तरह टोटल डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को डिफरेंट एरिया अगर ये एरिया डैमेज हो तो थम का ये मूवमेंट डैमेज हो जाएगा ये एरिया डैमेज हो गया तो फेस लिप्स का ये डैमेज हो जाएगा मूवमेंट डैमेज हो जाएगा तो उसी तरह उसका रिप्रेजेंटेशन है इसको होमन कुलस करते हैं इसके बारे में हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स जब डिटेल डिस्कशन करेंगे जब होंगे जस्ट टाइमिंग इतना याद रख लीजिएगा ठीक है अब ओरिजिन तो ओरिजिन जैसे मैंने आपको बताया ये जो है मोटार कॉर्टेक्स से ओरिजिन होता है उसमें से इम्पॉर्टेंट है प्राइमरी मोटार एरिया प्राइमरी मोटार एरिया तो प्राइमरी मोटार एरिया से तकरीबन 30 परसेंट फाइबर्स पूरे 100 परसेंट में से 30 परसेंट फाइबर्स प्राइमरी मोटार एरिया से ओरिजिन होते हैं सेकेंड है और 30 परसेंट फाइबर जो है सप्लीमेंट्री मोटार एरिया सप्लीमेंट्री मोटार एरिया और प्री मोटार एरिया ये जो हमने देखा था ना सप्लीमेंट्री मोटार एरिया और प्री मोटार एरिया तो ये टोटल मिला के ये भी थर्टी परसेंट फाइबर्स यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं तो सप्लीमेंटरी मोटार एरिया प्लस प्री मोटार एरिया सप्लीमेंटरी मोटार एरिया और प्री मोटार एरिया से तकरीबन थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट प्राइमरी मोटार एरिया थर्टी परसेंट सप्लीमेंट्री प्री मोटर एरिया और तीसरी बात है मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोमैटो सेंसरी काटेक्स उससे फोर्टी परसेंट फाइबर्स आते हैं सोमैटो सेंसरी काटेक्स दो ये सेंसेशंस के लिए है लेकिन पैरामिटल टैक्स में फोर्टी यहाँ से भी फाइबर्स आते हैं याद रख लीजिए थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट एंड फोर्टी परसेंट ठीक है थर्टी थर्टी एंड फोर्टी परसेंट तो यहाँ से थर्टी परसेंट यहाँ से थर्टी परसेंट और ये वाला यहाँ से फोर्टी परसेंट फाइबर्स जो है एग्जॉन्स पूरे कॉन्वर्ज होके तकरीबन वन मिलियन यानी कि दस लाख नर्व फाइबर जो है ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड पे जाते हैं ठीक है ये रहा ओरिजिन अब सेकेंड टॉपिक है कोर्स तो कोर्स कैसे होता है इसका यानी ओरिजिन होने के बाद ये इस एरिए में ओरिजिन के और थोड़ी डिटेल्स बता दूं आपको मैं सेरेब्रल कॉटेक्स में छः लेयर होते हैं उसमें जो फिफ्थ लेयर है तो उसमें जो फिफ्थ लेयर में एक बड़े से सेल्स रहते हैं उस सेल्स का नाम है सेल्स ऑफ बट्स बी इट इज एड जो साइंटिस्ट है व्लाडमिर बेट्स एक रशियन साइंटिस्ट थे जो 1874 में इन्होंने पहले बार ये न्यूरॉन्स बड़े बड़े न्यूरो डिस्कवर किया इसको हम पिरामिडल सेल्स भी कह सकते हैं पिरामिडल सेल्स या सेल्स ऑफ बर्ड्स जो कि लेयर फिफ्थ फिफ्थ लेयर में सर्वल क्वार्टर्स के पाए जाते हैं तो इसकी एक एक बड़े न्यूरॉन है जो लार्जेस्ट न्यूरॉन ऑफ दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स में आते हैं ये बहुत बड़े न्यूरॉन होते हैं इसका साइज़ देखिए तकरीबन 60 माइक्रोमीटर से लेकर तकरीबन 100 माइक्रोमीटर तक भी होता है और उसकी जो एग्ज़ोन की जो थिकनेस होती है नर्व फाइबर की थिकनेस है वो जो है सिक्सटीन माइक्रॉन्स तक रहती है थिकनेस ओके जो है कह लीजिएगा डायमीटर डायमीटर जो एग्ज़ोन का है तो वो सिक्सटीन माइक्रोमीटर यानी इतना बड़ा अच्छा खासा थिकनेस वाला बड़ा न्यूरॉन होता है तो आमतौर पर जो छोटे न्यूरॉन्स होते हैं वो तकरीबन चार माइक्रोमीटर्स के उतने होते हैं तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया वन मिलियन नर्व फाइबर्स ओरिजिन होते हैं ये पूरे तीनों एरिया से वन मिलियन यानी कि दस लाख नर्व फाइबर्स उसमें से तकरीबन जो है ये जो सेल्स ऑफ बर्ड्स यानी इतने बड़े न्यूरॉन्स जो निकलते हैं पिरामिडल सेल से वो तकरीबन थर्टी फोर थाउजेंड होते हैं यानी कि जस्ट थ्री परसेंट ओके थ्री से दस परसेंट होते हैं थर्टी फोर थाउजेंड होते हैं तीन से दस परसेंट होते हैं और बाकी के नाइन्टी परसेंट ये छोटे न्यूरॉन्स होते हैं लेकिन ये जो तीन से दस परसेंट होते हैं ये बड़े न्यूरॉन्स जो निकलते हैं वही इंपॉर्टेंट होते हैं कंट्रोल मूवमेंट्स करने के लिए स्पेशली जो डिजिटल मूवमेंट्स होते हैं फाइन मूवमेंट्स के लिए ठीक है तो ये ओरिजिन का हो गया अब आते हैं कोर्स साइड हेडिंग्स याद रखते रहिए कोर्स कोर्स यानी कि ये ओरिजिन होने के बाद सेरेब्रल कॉर्टेक्स से कैसे नीचे जाते हैं और कैसे हमारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं ठीक है तो अब मैं आपको कोर्स बताने के लिए यहाँ पर आपको एक रफ़ लाइन डाइग्राम के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा कोर्स का चलिए इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं ताकि हम बेहतर वे बे में इसको समझ सकें ठीक है तो रफ लाइन डाइग्राम उतार रहा हूँ तो ये देखिए सेरेब्रल हेमस्फेयर है सेरेब्रल हेमस्फेयर से कि जो सर्वेबल हेमस्फियर के नीचे जो आता है ब्रेन स्टेम मिड ब्रेन पॉन्स मेडुला मिड ब्रेन पॉन्स मेडुला याद रख ली हमेशा ये डायग्राम लाइन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है मिड ब्रेन पॉन्स मेडुला ब्रेन स्टेम के ओके okay? तो फिर ये नीचे कंटिन्यू होता है स्पाइनल कॉर्ड इस कंटिन्यू होता है स्पाइनल कॉर्ड बस लाइन डायग्राम उतार रहा हूँ तो बहुत आर्टिस्टिक वे में नहीं जस्ट ताकि अंडरस्टैंडिंग हो आप एग्जाम में डायग्राम भी उतार दें तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे ठीक है तो देखिए जैसे सरेबल हेमिसफियर मिड लाइन से राइट साइड भी होता है लेफ्ट साइड भी होता है तो रेड कलर से बता दूँ तो ये जो प्राइमरी मोटर एरिया है प्री मोटर एरिया सप्लीमेंट्री मोटर एरिया और सोमैटो सेंसरी कॉटेक्ट जो हमने एरिया नंबर फोर सिक्स वगैरह देखे हैं वो राइट साइड से भी ओरिजिनेट होता है लेफ्ट साइड से भी होते हैं तकरीबन दस लाख फाइबर्स ठीक है यहाँ से होते हैं सेल्स ऑफ बर्ड्स जो बर्ड्स जो इम्पोर्टेंट है ठीक है वो ओरिजिन होके ब्रेन से कन्वर्ज होके इस तरह से बंडल ऑफ एक्सॉन्स होता है तो इसको पिरामिडल ट्रैक इस भी कहते हैं पिरामिडल ट्रैक क्यों कहते हैं अभी आपको डिस्कशन में समझ में आ जाएगा ठीक है ये जो है राइट right साइड से भी जाएगा और लेफ्ट साइड से भी जाएगा तो देखिए ये ऐसे रेस बनाता है तो इस रेस की वजह से इसको कहते हैं कोरोना रेडिएटा ये एक रेस की शक्ल में लेता है तो इस वजह से इसको कोरोना रेडिएटा इसके जो फाइबर्स हैं होता है ठीक है तो ये जब ये नीचे जा रहा है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में तो जो सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर जैसे कि बेसल गैंगलिया है और वहाँ पे थलामस है उसके जो न्यूक्लियस है तो वहाँ पर वो दोनों वो न्यूक्लियस के बीच में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे कहते हैं इंटरनल कैप्सूल ओके इंटरनल कैप्सूल कहते हैं उसको ठीक है तो उसको कहते हैं इंटरनल कैप्सूल तो इंटरनल कैप्सूल से भी जो है इंटरनल कैप्सूल से बहुत छोटी जगह होती है वहां से जाता है पोस्टीरियर पोस्टीरियर लिम लिम ऑफ इंटरनल कैप्सूल से यह जाता है नैरो जगह एक so, वहां से होते जाते हैं इंटरनल कैप्सूल का डिटेल डिस्कशन तो अभी मैं नहीं कर बस इतना याद रखिए इंटरनल कैप्सूल से होते हुए ये नीचे जाता है ठीक है तो इंटरनल कैप्सूल से यह होते हुए ये फाइबर्स जो है नीचे जाएंगे नीचे जाएंगे ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन पॉन्स तक ऐसे जाएंगे ठीक है मेडुला तक जाएंगे अब मेडुला का जो लोअर पार्ट है वहाँ पर ये जो फाइबर्स होते हैं तकरीबन 80 टू 95 परसेंट फाइबर्स अपोजिट साइड में क्रॉस हो जाएंगे यानी राइट साइड का लेफ्ट साइड में जाएगा और लेफ्ट साइड का राइट साइड में आ जाएगा अपोजिट हो जाएंगे इसको कहेंगे यहाँ पे लोअर साइड ऑफ मेडुला और ये जो लोअर साइड ऑफ मेडुला पे जो ये क्रॉसिंग होती है यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है पिरामिड इस वजह से इसका नाम रखा गया है यानी कि जो पिरामिड पे डिकस्टेशन होता है अपोजिट साइड पे क्रॉसिंग होती है तो राइट साइड का लेफ्ट साइड गया राइट साइड और लेफ्ट साइड का राइट साइड में फाइबर्स हो गए इस वजह से इस वजह से यहाँ पे जो क्रॉसिंग होती है इस वजह से जो लेफ्ट साइड का जो सेरेबरल कॉटेक्स है वो राइट साइड के मूवमेंट को कंट्रोल करता है फॉर एग्जाम्पल अब मैं देखिए राइट साइड का हाथ उठा रहा हूँ या बन ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर रहा हूँ तो इसको मैं वॉलेंट्री कंट्रोल कर रहा हूँ इसका जो कंट्रोल होता है लेफ्ट साइड के मोटर कॉटेक्स से तो ये जो है पिरामिडल ट्रैक से जो नर्व फाइबर जा रहे हैं मैं पे बाइफरकेट करके स्पाइनल कॉर्ड तक जाएंगे और फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगा उसी तरह लेफ्ट साइड का जो सेरेबरल कॉर्टेक्स है राइट right साइड के मूवमेंट राइट साइड right का मूवमेंट uh, है वो लेफ्ट साइड के मूवमेंट्स को कंट्रोल करेगा यानी कि अपोजिट मूवमेंट्स को कंट्रोल करेगा ठीक है तो इसी तरह ये क्रॉस होगा एटी टू नाइन परसेंट में चला जाएगा ये है कोर्स ठीक है कोर्स तो इसको जो अपोजिट साइड जो क्रॉस हुआ है इस ट्रैक को कहते हैं लैटरल लेटरलोस्पाइनल ट्रैक क्या कहते हैं इसको लैटरल लैटरल्टोस्पाइनल ट्रैक टिको स्पाइनल ट्रैक कहते हैं इसको इस ट्रैक ट्रैक को कहते हैं लैटरल स्पाइनल जो कि साइड में होता है और ये जो है स्पाइनल कॉर्ड का अगर हम कट सेक्शन देखें अगर हम कट सेक्शन और स्पाइनल कॉर्ड देखें तो उसमें जो है ग्रे मैटर जो है सेंटर एरिया में होता है और वाइट मैटर जो पेरीफरल एरिया में होता है तो जो लैटरल साइड का जो वाइट मैटर है जिसको हम लैटरल वाइट फ्यूनिकुलस कहते हैं उसके पोस्टीरियर पार्ट्स में ये डिसेंड होगा पूरे जो भी स्पाइनल कॉर्ड सर्वाइकल थोड़ा पूरा यहाँ पर डिसेंड होगा ये लैटल कॉटिकल टैक लैटरल वाइट फूनिकुलस में हम ये भी कोर्स देख रहे हैं तो आपको मैं बताया कि मेजोरिटी जो फाइबर्स हैं 80 से 90 परसेंट क्रॉस होंगे लेकिन 10 से 20 परसेंट जो है क्रॉस नहीं होंगे यानी कि राइट साइड वाले थोड़े से दस से पीस सीधा भी जाएंगे और ये भी थोड़े से सीधा जाएंगे तो उस सीधे जो फाइबर्स जो जा रहे हैं मैं आपको ब्लू कलर में बता दू राइट साइड के जो फाइबर्स जो बचे हुए दस जो जा रहे हैं वो एंटीरियर वाइट फ्यूनिकुलस यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर साइड से नीचे जाएंगे और उसी तरह लेफ्ट साइड के भी नीचे जाएगा ये ब्लू कलर में जो बता रहा हूं इस ट्रैक को कहते हैं एंटीरियर या वेंट्रल वेंट्रल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक वेंट्रल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक क्यों कहते हैं इसको वेंट्रल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक क्योंकि यहाँ पे ये एंटीरियर वाइट फिसिनिकुलस या एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक कहते हैं तो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक के दो होते हैं लैटरल और वेंट्रल लेकिन इसकी खसूसियत क्या है ये भी स्पाइनल कॉर्ड में आके ये भी अपोजिट साइड क्रॉस हो जाएगा वो टर्मिनेशन में हम देखते हैं अभी कोर्स में इतना याद रखिए ओरिजिन आपको पता चल गया ओरिजिन होता है यहाँ से और कोर्स देखिए इंटरनल कैप्सूल से होते हुए मेडुला पे पे आके लोअर एंड करता है इसको पिरामिडल करता है इस वजह से इसे भी कहते हैं तो कोर्स भी हो गया अभी थर्ड इंपॉर्टेंट हमारी साइड हेडिंग है टर्मिनेशन तो ये टर्मिनेट कहाँ पे होता है तो टर्मिनेट देखिए ये कहाँ पे होता है तो यहां पर आने के बाद वाइट फ्यूनिकुलस से जो इसके एग्जॉन्स होते है, हैं न्यूरॉन्स इंटरनेशियल पे न्यूरॉन्स होते हैं ग्रे मैटर के इंटरमीडिएट हॉर्न पे यहाँ पे मेजोरिटी यहीं पर ही ये टर्मिनेट हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड पे कंसर्न स्पाइनल कॉर्ड सर्वाइकल पे जाएगा थोरासिक पे जाएगा लंबा पे फिर यहाँ से जो मसल्स को जो मूवमेंट्स के लिए जो लोअर मोटर न्यूर जो एंटर हॉन्न सेल्स पे जाते हैं वहाँ पर भी ये टर्मिनेट होगा तो साइनाप्स होगा और ये पोस्टीरियर रूट पर भी यानी कि व्हाइट मैटर से यहाँ पे ग्रे मैटर में जाएगा और यहाँ के जो न्यूरॉन्स जो मसल्स को कनेक्टेड होते हैं उसको कंट्रोल करता है ठीक है उसको कंट्रोल करता है ये ट्रैक टर्मिनेट अल्टीमेटली अल्फा मोटर न्यूरॉन्स में और इंटरमीडिएट हॉर्न सेल्स से इंटरवेंशन न्यूरो से जो है इसको कंट्रोल करता है उसी तरह ये एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट भी स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट में जैसे मैंने आपको भले ही बताया वो स्पाइनल कॉर्ड में अप डिकसेट होते हैं यानी कि अल्टीमेटली पूरे फाइबर्स जो, जो है जो आ रहे थे जो लेफ्ट साइड से आ रहे थे वो पूरे फाइबर्स राइट साइड में चले गए और राइट right साइड के जो फाइबर्स आ रहे थे वो लेफ्ट साइड में चले गए और लेफ्ट साइड के बॉडी पार्ट्स को या या मसल्स को कंट्रोल करना है ठीक है तो ये स्पाइनल कॉर्ड पे यहां पे ये कंट्रोल होता है तो ये रहा टर्मिनेशन फिर फंक्शन क्या है इसका फंक्शन तो फंक्शन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये जो है स्किल्ड वॉलेंटरी मूवमेंट्स के लिए मोटर एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है जो हमारी जो स्किल मूवमेंट्स होती है हमारी बॉडी की जो मसल मूवमेंट्स होती है स्पेशली ये जो डिस्टेंस वॉलेंटरी मूवमेंट्स के लिए ये कॉर्टिको ट्रैक बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक अकेले नहीं करता है मूवमेंट डेफिनेटली ये कंट्रोल हायर सेंटर है बट इसके अलावा जो सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर सेल के बेसल गेंगलिया है सेरेबलम है और ब्रेन स्ट्रम के दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं तो ये स्पाइनल कॉर्ड के जो लोअर मोटान्यूर है इनसे कोऑर्डिनेट करके ये करता है ठीक है तो बट इसका मेन फंक्शन है कंट्रोल इन दॉलेंटरी मूवमेंट्स और अगर अप्लाइड एस्पेक्ट्स की बात करें तो इसका अगर डैमेज हो तो क्या होता है क्यों हम इसके इस पर इतना स्ट्रेस कर रहे हैं अगर ये डैमेज हो जाए किसी वजह से तो सिंपली पैरालिसिस हो जाएगा यानी मूवमेंट नहीं होगा ठीक है आपको एक्जाम्पल देता हूं स्ट्रोक स्ट्रोक आपने सुना होगा जो कि दो टाइप के होता है हिमोलोजिक और स्केमिक स्ट्रोक जो कि ब्लड सप्लाई कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए न्यू यानी जो ब्रेन को अगर ब्लड सप्लाई की कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो स्ट्रोक होते हैं स्केमिक यानी कि जब कम ब्लड सप्लाई सप्लाईमोलोजिक यानी अगर कोई रक्चर हो गया ब्लड वेसल का तो यानी किसी वजह से भी हो जाए यहाँ पे डैमेज हो जाए समझे मान लीजिए राइट साइड के इंटरनल कैप्सूल पे पे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे डैमेज हो जाए तो लेफ्ट साइड का अपर लिम और लोअर लिम पैरालिस होगा उसके हमिप ली जाएंगे उसी तरह अगर लेफ्ट साइड के यहाँ पे डैमेज हो इंटरनल कैप्सूल पर तो राइट साइड का हेमिक्लिजिया हो जाएगा ठीक है यानी कि राइट साइड का हाथ या पैर नहीं उठेगा पैरालिस होगा कॉमनली देखा जाता है क्योंकि यहाँ पे पूरे बंडल्स एग्जॉन्स के जो जा रहे हैं पे नैरो इतनी पोषण में यहाँ पे और बेन्स्टम में तो यहाँ का एरिया बहुत सेंसिटिव है यहाँ पे थोड़ा भी डैमेज हो जाए तो पूरा ही पैरालिश हो जाएगा ठीक है तो इसका जो अप्लाइड एस्पेक्ट है जो कंट्रोल मूवमेंट करता है अगर डैमेज हो गया है तो पैरालिसिस हो जाएगा ठीक है तो याद रख लीजिएगा यही साइड हेडिंग्स में ओरिजिन कोर्स टर्मिनेशन फंक्शन है इट्स अप्लाइड एस्पेक्ट चलिए मैं आपको ये जो टेक्स्ट बुक का जो डायग्राम होता है उसमें से बताता हूँ तो ये ओरिजिन देखिए यहाँ के एरिया नंबर फोर एरिया नंबर सिक्स जो मोटार कॉर्टेक्स प्री मोटार एरिया सप्लीमेंटरी और एरिया और जो है सेंसरी कॉर्टेक्स सोमाटो सेंसरी तो वहाँ से ओरिजिन होके ये जाएगा पोस्टीरियर लिम ऑफ द इंटरनल कैप्सूल से डिसेंड होके मिड ब्रेन पॉन्स और मेडुला में होगा और मेडुला में होने के बाद मेडुला में फिफ्ट एट्टी टू नाइन्टी परसेंट अपोजिट जाएंगे और स्पाइनल कॉर्ड में अल्टीमेटली टर्मिनेट होगा इसे लैटल कॉर्टिको स्पाइन अटैक और थोड़े फाइवर जो सीधा जाते हैं उसे जो है वेंटल कॉर्टिको स्पाइन अटैक कहते हैं ठीक है तो इतना याद रख लीजिएगा आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे थेरी एग्जाम्स में और क्लिनिकली भी आपको इसका अप्लीकेशन होगा तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और शेयर करिएगा हमारे वीडियो अपने साथियों को धन्यवाद